आप परमेश्वर के हैं। हम लोगों ने सुसमाचार हम लोग सुनते हैं और हम सुसमाचार केवल इतना जानते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा, यही सुसमाचार है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इसके साथ एक यही साथ में जुड़ा सुसमाचार है कि जो कुछ भी हमने खो दिया था सृष्टि के समय में, जब आदम और हवा ने जो कुछ खोया, जो महिमा खोई, जो अभिषेक खोया, जो परमेश्वर के साथ संगति खोया, जो बढ़ोतरी को खोया, जो कुछ हम बिना कुछ किए परमेश्वर से पाते थे, परमेश्वर हमारा देने वाला था, जो कुछ भी हमने खोया था, जब हम मसीह में विश्वास करते हैं, जब यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा है, वो अधिकार जो हमने खो दिया था वो हमारे पास फिर से आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, वो सब कुछ रिस्टोर कर चुका है, पुनर्स्थापित आपके जीवन में कर चुका है। आमेन। बस विश्वास के साथ हमें काम में लाना है। एक पास्टर के पास केवल अधिकार नहीं है कि वो दुष्ट आत्मा को निकाले, बीमारों को चंगा करे, आपके पास अधिकार है, आप खुद चंगे रह सकते हैं। अब ये नहीं कि अब पास्टर की क्या जरूरत, हम तो घर पे रहेंगे अपने से। लेकिन यदि आप ऐसा करेंगे अभी जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, आप कैसे सीख पाते? यदि आप अपने घर पे ही सब कुछ करते तो आप क्या सीख पाते? चर्च वो जगह है जो आपको आपके अधिकार के बारे में जानने के लिए मदद करता है। यदि आप चर्च आना छोड़ दिए अपने से ही, चल इधर आओ, एक व्यक्ति अपने अधिकार में तभी आ सकता है जब वो चर्च में आएगा तब, क्योंकि आपको मालूम नहीं। बाइबिल कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। और आप जानते ही नहीं सत्य को, आप कैसे आजाद होंगे? कुछ बातों में आप आजाद हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप और बातों को जानेंगे और बातों में आप आजाद होंगे। आप नहीं जानेंगे, नहीं आजाद होंगे। और बाइबिल कहता है ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। और आपको ज्ञान नहीं रहेगा, आप कभी भी नाश हो सकते हैं। परंतु जब यदि ज्ञान है आपको, आप चर्च में आते हैं, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आप नाश नहीं होंगे, आप बचाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जोर से बोले आमीन। इस बात को जरूर कंफर्म करके रखिएगा कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं उसका बेटा हूं। यदि बाप मिनिस्टर है तो वो गाड़ी जो मिनिस्टर वाली है ना, वो मेरी है, ठीक है? उसमें जो गनर रहते हैं ना, पुलिस पुलिस, वो सब मेरे हैं। मैं जहां जाऊंगा बाप क्या करेगा? ए जाओ मेरे बेटे को लिवा के जाओ, शॉपिंग करा के आओ। सही है कि नहीं? होता है कि नहीं? यदि कोई आईपीएस रैंक का भी अधिकारी है, उसका फैमिली उसी गाड़ी से टहलता है, गनर साथ में होता है। इस दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सब मनुष्य का मालिक है, जो धरती और आकाश का मालिक है, आप उसकी संतान है, सब कुछ आपका है। हालेलुया। आपके साथ जानते हैं कौन गनर रहते हैं? स्वर्गदूत रहते हैं, जो दिखते नहीं परंतु काम बहुत तगड़ा करते हैं। सही है कि नहीं? हालेलुया। बाइबल कहता है तू जहां कहीं जाएगा परमेश्वर अपने दूतों को भेज देगा आपके लिए कि आपकी पांव में पत्थर से ठेस ना लगे। आपको अपने अधिकार में आना होगा। यदि आप अधिकार में ना आए, आप हमेशा रोते रहोगे, है गरीबी, है दुष्ट आत्मा, अरे बीमारी, पेट दर्द, बुखार, गिल्टी, शुगर। लेकिन जब आप अपने अधिकार में आएंगे, कहेंगे शुगर तेरा अधिकार नहीं है, बाहर हो, वो जाएगा। ये संभव है मसीह में। आमेन। हालेलुया। जब परमेश्वर के दास यहां से प्रार्थना करते हैं, वो उनका फेथ होता है, विश्वास के साथ कहते हैं आप चंगे हो रहे हैं, और आप कहते हैं आमेन, वो होता है आपके जीवन में। कई लोग गवाही दिए कि जब परमेश्वर के दास प्रार्थना कर रहे थे, डिक्लेरेशन कर रहे थे, उस समय उस प्रार्थना को मैंने ग्रहण किया और मैं चंगा हो गया, क्योंकि वो विश्वास के साथ जाता आपके जीवन में। और ऐसे ही जब आप अपने जीवन के लिए घोषणा करके और आप बोलना शुरू करेंगे, आप उन्नति में जाएंगे। आमेन।